लोकसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा को लेकर 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाकाल की धरती मध्य प्रदेश में आगमन होगा। इस दौरान शाह चुनावी रणनीति को लेकर लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों के साथ मीटिंग करेंगे। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। शर्मा ने बताया कि अमित शाह लोकसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे, साथ ही लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों की मीटिंग लेंगे। टिकट वितरण पर मंथन किया जाएगा। गृह मंत्री सुबह ग्वालियर होते हुए मुरैना भिंड गुना के प्रबंध समिति की बैठक लेंगे, उसके बाद खजुराहो में आम सभा और लोकसभा का बूथ समिति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम को भोपाल में पूर्वजनों के साथ अमित शाह की चर्चा का कार्यक्रम है। कल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के कुशल शिल्पी और जिन्होंने मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव को कुशल रणनीति के साथ हमें ऐतिहासिक विजय दिलाने में देश के गृहमंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी का दौरा कल लोक विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार वो भोपाल मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश उनके स्वागत की तैयारियों में सभी कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ जुटे हैं, क्योंकि तो आप सबको ध्यान में कि विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से एक एक कार्यकर्ता को, प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता को जिस प्रकार से मोटिवेट और एक्टिवेट किया, उसका परिणाम हुआ कि मध्य प्रदेश में आज तक के इतिहास का सर्वाधिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की कुशल रणनीति के साथ मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारत के गृहमंत्री जिन्होंने इस देश के अंदर, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करने का संकल्प लिया है, तो माननीय अमित शाह जी ने भी अंग्रेजों के उन काले कानून के तौर पर जो बराबर कुछ न कुछ रिफ्लेक्शन जो आते रहे हैं, उन सारे आईपीसी से लेकर के सारी चीजों को बदलने का काम, वो दंड संहिता वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों को बदलने का काम भी भारत के गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी ने किया है। उनका दौरा लोकसभा चुनाव की दृष्टि से क्लस्टर प्रवास के दौरान, कल वो ग्वालियर में 12 बजे कल ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर के पूरा क्लस्टर पांच चारों लोकसभा की प्रबंध समिति की बैठक माननीय अमित शाह जी ग्वालियर के चारों लोकसभा के प्रबंध समिति के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।